दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में जो है शानदार अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकल के आ चुकी है। फॉर्म भरने के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं देना है और इसका आवेदन भी शुरू कर दिया गया है, इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसमें जो है 1100 से ज्यादा पदों पर शानदार जो है अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। 1100 टोटल 40 सीट है। इसमें आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन के 370 है, फीटर के 543 है, वेल्डर के 155, मोटर मैकेनिक के 47 और ऑटो इलेक्ट्रीशियन के 12 पोस्ट है। इस तरह से आपको जो है ट्रेनिंग का पीरियड दिया गया है और कितना आपको सैलरी स्टाइपन मिलेगा ये यहाँ पे दिया गया। इसके अलावा अलग अलग जो है यहाँ पे पोजीशन वाइज जो है स्लॉट यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे मध्य प्रदेश रीजन में कितना है, उत्तर प्रदेश रीजन में कितना है, इसके अलावा जहां जहां इनकी जो है रीजन वहां वहां ये लोग दिखाए हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें फॉर्म भरने के लिए सिर्फ आपकी जो है मिनिमम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम उम्र 26 ईयर्स है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 31 अगस्त 2023 को आपका उम्र जो है काउंट करे जा रहे हैं। आइए जानते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10वीं के साथ साथ आईटीआई किए हुए हैं, जिस ट्रेड से आप फॉर्म भरना चाहते हैं उस ट्रेड में आपने आईटीआई किया हुआ है, तो आप फॉर्म के लिए इलिजिबल है, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रीशियन से फॉर्म भरना चाहते हैं तो मैट्रिक के साथ साथ आपने जो है आईटीआई किया हुआ है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फीटर से फॉर्म भरना चाहते हैं तो मैट्रिक के साथ साथ आपने जो है फीटर ट्रेड में आईटीआई किया हुआ है, तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो आपके आईटीआई में मार्क्स है, 10वीं में जो परसेंटेज है उसके बेस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है, यानी आपका जो है मेरिट के बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन बनने वाला है। तो आइए जानते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए आपको गूगल ओपन करना है और यहाँ सर्च करना है डीएस हेल्पिंग फॉरएवर। जैसा आप इतना सर्च करेंगे आपके सामने एक वेबसाइट खुलेगी dshelpingforever.com, इसको आपको ओपन करना है और यहाँ लाइव अपडेट में काफी सारी वैकेंसी आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको एनसीएल आईटीआई अप्रेंटिसशिप मिलेगा, यानी नॉर्दर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड। आप इस पे क्लिक करेंगे, एनसीएल इसका शॉर्ट फॉर्म है। आप यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पे सारी जानकारी को पढ़ेंगे। आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसा आप इस पे क्लिक करेंगे ये आपको अप्रेंटिसशिप वाला जो पेज है एनसीएल का वहां पे लेकर जाएगा और यहाँ पे आपको आना है। यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको दिया गया है अप्रेंटिसशिप की जो यहाँ पे सूचना जारी किया गया है, यही आपको अप्लाई हेयर का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से खुलेगा और यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करेंगे तो आप जो है अप्लाई वाले पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पे सारी जानकारी को पढ़ेंगे, यहाँ आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका देखिए फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ लॉगिन का भी ऑप्शन दिया हुआ, अगर मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है लॉगिन करना चाहते तो ये लॉगिन इसी तरह से करेंगे। यहाँ अपना नाम लिखेंगे, मिडिल नेम और लास्ट नेम, यहाँ मतलब फर्स्ट मिडिल लास्ट ऐसे लिखना है। आधार नंबर यहाँ पे लिखना है, ईमेल आईडी देना है, मोबाइल नंबर देना है। यहाँ पे आपको अप्रेंटिसशिप का जो है कैटेगरी चूज करना है तो एक ही ऑप्शन आएगा, वो चूज कर लेंगे। अप्लाइड पोजीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन फीटर वेल्डर, किसके लिए आप चूज करेंगे। एक पासवर्ड आप बनाएंगे, पासवर्ड यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि 6 अक्षर से कम नहीं होना चाहिए और यहाँ पे जो है बताया गया कि पासवर्ड में क्या क्या आपको यूज करना है, तो उस तरह से पासवर्ड आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका नाम सपोज राजू है तो RAJU@123 ऐसे करके पासवर्ड आप बना सकते हैं। यहाँ डिक्लेयर करेंगे, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल पे ओटीपी जाता है, ओटीपी को यहाँ लिखेंगे और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी वेरीफाई करते ही आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, एक मैसेज भी जनरेट होता है यहीं पे और आपके मोबाइल पे भी एक एसएमएस आ जाता है कि आपने सक्सेसफुली जो रजिस्ट्रेशन कर लिया है। आपको बोला गया कि आप लॉगिन करिए तो आप यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपका इस प्रकार से देखिए लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, इसको आप बड़ा कर लीजिएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी लिखेंगे और यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे, पासवर्ड जो आपने बनाया वो पासवर्ड यहाँ लिखेंगे, इस कैप्चा कोड को भरेंगे और यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे, लॉगिन करते हैं। फ्रेंड्स इस प्रकार से आप जो है लॉगिन हो जाते हैं, यहाँ लॉगआउट का ऑप्शन बन जाता है, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी भी शो हो जाता है। यहाँ पे आपको देखिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलता है, आप अप्लाई नाउ वाले पे क्लिक करेंगे। अंतिम तिथि जो है फॉर्म भरने का 15 अक्टूबर है, मात्र 10 दिन के अंदर आपको फॉर्म को भर देना है। यहाँ इंस्ट्रक्शन आएगा, इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे, यहाँ डिक्लेयर करेंगे, यहाँ अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको जो है जानकारी भरना है, तो यहाँ पे पहला नाम आपको फिर से लिखना है जिस प्रकार से मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे स्पेलिंग है, फिर यहाँ पे मिडिल नेम और लास्ट नेम। मान लीजिए आपका नाम दीपक कुमार है तो आप यहाँ दीपक लिखेंगे और लास्ट में कुमार लिख दीजिएगा, और सिर्फ आपका दीपक ही नाम है, कुमार वगैरह नहीं है, आप सिर्फ दीपक यहाँ लिख सकते हैं। दीपक कुमार राम है तो दीपक यहाँ कुमार और यहाँ लास्ट नेम में राम रखिएगा, तो ऐसे आपको लिखना होता है। यहाँ पे फादर्स नेम का फर्स्ट नेम, फिर यहाँ मिडिल नेम और यहाँ लास्ट नेम लिखना है, उसी तरह से फिर मदर्स नेम का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। इसके वजह से कैटेगरी आपको चूज करना है कि आप ईडब्ल्यू से हैं, जनरल हैं, ओबीसी, एनसीएल हैं, एससीएसटी, किस कैटेगरी से आते हैं। जेंडर बताएंगे, मेल फीमेल। यहाँ रिलीजन बताना है, हिंदू मुस्लिम क्या है, विकलांग है तो यस करिए वरना नो करेंगे। यहाँ पे आप
आपको जन्म तिथि का जो है चॉइस करना है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है बताना है वैवाहिक स्थिति, आप मैरिड है कि बैचलर है। तो अनमैरिड बैचलर अविवाहित आ जाएगा और मैरिड मतलब जो विवाहित हो चुका है। यहाँ पे अपना एड्रेस को लिखेंगे, जैसे एड्रेस में अपना जो है पता 1, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 ऐसे करके यूज करने से यहाँ पे विलेज लिखेंगे, इसमें पोस्ट लिख देंगे, यहाँ पोस्ट ऑफिस दिया गया है, इसके वजह से जिला लिख देंगे या राज्य चुनाव कर लेंगे राज्य का। पिन कोड लिख देंगे यहाँ पे, टेलीफोन नंबर छोड़ दीजिएगा, मोबाइल नंबर यहाँ लिखेंगे। अगर पूछ रहा है कि आपका परमानेंट एड्रेस सेम है ये कम्युनिकेशन एड्रेस की तरह, तो इसको टिक करेंगे सेम कॉपी हो जाएगा। तो पहले भरिएगा तभी ये कॉपी हो पाएगा। यहाँ पे आपको जो है बैंक डिटेल्स पूछ रहा है, तो बैंक डिटेल्स यहाँ पे आप दे सकते हैं, अपना बैंक का नाम देंगे। तो ये क्यों मांगता है, देखिए जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना तो उसमें आपका जो है पैसा ये लोग देते हैं, किसी किसी कैटेगरी को ये लोग पैसे देते हैं, एससी एसटी को देंगे, ओबीसी को भी दे सकते हैं, ईडब्ल्यूएस को भी दे सकते हैं, मतलब ट्रेवल अलाउंसेस जिसको बोलते हैं। अब अपना बैंक का नाम चूज करेंगे और उसका शाखा का नाम, आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर, और दोबारा अकाउंट नंबर का कंफर्म करेंगे। तो आप ये दे दीजिएगा मांग रहे, तो फिर यहाँ डिक्लेयर करके यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। सेव एंड करते हैं। अगले स्टेप में आपको शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताना है, तो यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं सारी जानकारी, और यहाँ पे पूछेगा मैट्रिक की जानकारी और आईटीआई की जानकारी, ये दोनों रेगुलर कोर्स से किए हैं तो ही फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ सब्जेक्ट ऑल रहेगा, पासिंग ईयर आपको बता रहे कि मैट्रिक आपका पास किया है, किस विद्यालय से पास किए हुए और यहाँ कौन से बोर्ड से पास किए हुए हैं ये बताएंगे, किस राज्य से आप 10वीं पास हैं, तो मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश या अन्य, इस तरह से बताएंगे। अगर आप अन्य चूज करेंगे तो जिला का नाम यहाँ पे अन्य ही आएगा। फिर कोर्स का ड्यूरेशन क्या था, एक साल का होता है 1 ईयर, आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे कोर्स कब कंप्लीट हुआ यानी मैट्रिक आप कब पास किए ये तारीख चूज करेंगे, कितना परसेंट आपको मैट्रिक में है ये आपको बता देनी है। इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन पोस्ट फॉर्म भरेंगे, तो इलेक्ट्रीशियन आईटीआई आपसे मांग रहा है। अगर आप जो है दूसरे पोस्ट से फॉर्म भरते तो यहाँ पे वही पोस्ट का नाम शो होता, वो ट्रेड का नाम शो होता। अब यहाँ पे कब ये आईटीआई आपने उत्तीर्ण किया हुआ है, स्कूल का नाम क्या है और किस जो है बोर्ड से पास है, एनसीवीटी या एससीवीटी, किस राज्य से आपने पास किया हुआ है, तो आईटीआई जो है एमपी और यूपी दो ही राज्य से आप पास किए हैं तो आप फॉर्म को भरेंगे। जैसे हम एमपी चूज करते हैं तो एमपी में सिर्फ जो है सिंगरौली आ रहा है या अदर का भी ऑप्शन है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सोनभद्रा और अदर का ही ऑप्शन है, मतलब ये कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी में जानकारी दिया गया है। या आप यूपी के जो है एमपी से या यूपी से अगर आपने आईटीआई किया हुआ है वो भी इस जिला से तो ही आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर आप एमपी की बात करें तो एमपी में सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट या किसी भी आईटीआई संस्था से अगर आपने पास आउट किए हैं तो आप आवेदन देंगे। कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, 2 ईयर्स का होता है ये भी, 2 ईयर्स यहाँ चूज करेंगे। पासिंग ईयर और यहाँ पे परसेंटेज कितना ये बता देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है प्रोसीड मिलेगा, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड करते हैं, यहाँ पे आपकी पेज प्रीव्यू आएगी, कंफर्मेशन पेज की, जो भी आपने जानकारी दिया सब चीज सही है, अगर इसमें कुछ भी गलती है तो यहाँ पे बैक जाके सुधारेंगे, नहीं गलती है तो यहाँ पे कंफर्म करेंगे, ओके करेंगे। ओके करते ही अब आपको यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करनी है, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करनी है जो कि मैक्सिमम 50 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो 1 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है जो ट्रेड सर्टिफिकेट है एनसीवीटी एससीवीटी जो भी यहाँ पे बोला गया आईटीआई कोर्स का, वो आप जो है आईटीआई का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे बोला गया कृपया अपना व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं मार्कशीट अपलोड करें, मतलब दोनों एक साथ अपलोड करना है, उसका सर्टिफिकेट भी। तो 4 सेमेस्टर होगा, 4 सेमेस्टर का सर्टिफिकेट एक साथ अटैच कर लेंगे पीडीएफ, और जो उसका मार्कशीट होता है वो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट और मार्कशीट आप यहाँ पे अटैच कर लेंगे, एक साथ पीडीएफ बना लेंगे, मर्ज फाइल कर लेंगे। अगर आप अपना जाति सर्टिफिकेट है, मतलब अगर आप एससी एसटी से आएंगे तो अपना जाति सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अटैच करेंगे, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी है तो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होता है वो आप यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे अगर आपका सीजीपीए वाला सिस्टम है तो उसका कन्वर्जन फॉर्मूला प्रतिशत में कन्वर्जन करके आप यहाँ पे उसका जो है फॉर्मूला का जो पीडीएफ है वो आप यहाँ पे अटैच करेंगे, ये नहीं है तो इसे आप छोड़ दीजिएगा। अगर आपका परसेंटेज दिया है सर्टिफिकेट तो परसेंटेज में जानकारी भर के इसे आप छोड़ सकते हैं, इसको से डिक्लेयर करेंगे और इसके बाद से आपको सबमिट करना है। इस सबको आप चूज करके अपलोड कर लेते हैं बारी बारी से। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली, आपको ओके कर देना। ओके करते ही आपका आवेदन प्राप्त हो गया है, आपका आवेदन क्रमांक इतना है, आपका एप्लीकेशन रिसीव हो चुका है, आपकी उम्मीदवारता की सत्यापन के अधीन जो है, मतलब अब ये लोग वेरिफिकेशन करेंगे कि आपका जो है कैंडिडेचर सही है कि नहीं है। अब यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे और इसका प्रिंट आउट यहाँ पे देखिए मिल गया आपको, आप यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे और अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया एनसीएल अप्रेंटिसशिप का फॉर्म कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, हमें दी जाए तो, और देखते रहिए डीएस हेल्पिंग फॉर एवर। एक चीज का विशेष ध्यान देंगे, फॉर्म भरने से पहले आप अप्रेंटिसशिप का जो है
रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है रिक्वायरमेंट बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन apprenticeshipindia.gov.in पर जाके जो है आप इसका रजिस्ट्रेशन एक बार अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जरूर कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये आगे चल के वेरिफिकेशन भी होता है। अगर आप यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं किए रहेंगे और ITI का मतलब अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भर देंगे तो फिर आगे चल के दिक्कत भी होगा। तो यहाँ पे फॉर्म भरने से पहले NAPS पे आपको रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही मैंडेटरी है, उसके बाद जो है आप NCL के लिए फॉर्म को अप्लाई करिए।